नहीं, राधे राधे करो सबको, करो बोलो, राधे 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 राधे, करो बोलो, राधे राधे मेरी बिंदी उतार के छोटू ने लगा ली है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और अनाया इस टाइम पे पूरी नौटंकी कर रही है, वो पागल हो गई है ना। आप राधे राधे भी नहीं करते हो, जय जय कर दो सबको, जय जय जय। पाकी ट्यूशन गई है और हमने जो है वो अपना व्लॉग शुरू किया है। आ जाओ, जीजी को बुला लो, उनको जीजी आ जाओ आ जाओ। अभी मैं कपड़ों की तह लगाऊंगी और झाड़ू वगैरह सब निकाल दी है। टाइम 5:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम का सारा काम कर लिया है, बस कपड़ों को ना तह लगाना है। और चाय बनाते हैं, पाखी आ जाती है तो फिर उसको दूध वगैरह देती है। ये सो रहे थे, अभी सो करके उठे हैं। आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। जीजी आ जाओ, अभी घूमन जाओ, घूम लेंगे। गुड मिला टेस्ट में, ट्यूशन में? अच्छा, मैम ने कुछ बोला? मैं क्या तारीफ करी? चल अच्छी बात, चल मैं तेरा दूध दूध बन दूध वगैरह बना दे। खेलना नहीं मिला ना सुबह से? कपड़ों की तह बाद में लगाऊंगी, पहले दूध और चाय वगैरह दे देती हूँ। बेटा मैं दूध कर दूँ तेरा, है ना, चाय बना लूँ। तो भी मैं यहाँ पे पाखी के लिए कर रही हूँ दूध गरम, और फ्रिज का दूध नहीं लेती है, अनाया को भी नहीं देती हूँ मैं, थोड़ा सा गुनगुना करके तभी। और पाखी को दूध दे दूँगी, अपने लिए बनाऊँगी चाय। एक ही टाइम ऐसा होता है, 4 बजे से शुरू हो जाता है, फिर शाम तक ही मान लीजिए ऐसे ही रहता है, झाड़ू वगैरह कपड़े संगवाना ये सब कुछ। और एक बार जैसे कि पाखी स्कूल से है, उसकी यूनिफॉर्म मुझे वॉश करनी थी, एक दो कपड़े और थे, तो वो मैंने सोचा चलो मशीन भी लगा देती हूँ साथ के साथ। और छोले भिगो के रखे हुए हैं मैंने, तो मैं छोले भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी साथ के साथ ही। और पाखी को दूध दे दूँगी, केले दे दूँगी, और थोड़ा बहुत अनाया भी खा लेगी साथ ही साथ में। तो बस ऐसे ही, मतलब कि ये है कि अपना थोड़े थोड़े करके बीच बीच में अपना फ़ोन वगैरह का काम भी होता है मेरा, तो वो भी करती रहती हूँ। और किसी दिन तो अनाया जो है वो अच्छे से, मतलब ये है कि चलो टाइम जो है वो अपना मैनेज हो जाता है, और कुछ दिन ऐसा आता है कि मतलब बस उसी के चक्कर में रह जाती हूँ। मतलब संभालने दिक्कत वाली बात नहीं होती है, पर जब है ना, जब काम नहीं चलता है बस, वो किलस्ती है जब कि भाई गोदी ले लो और कुछ नहीं, तब थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी तो ये है कि चलो अपना धीरे धीरे पूरा दिन अपना लगे रहो कहीं नहीं। और मुझे फ्री बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बस बैठ जाओ, काम निपटाना है तो मुझे फुर्सत से बैठना नहीं, मुझे सारा दिन ये है। मैंने बॉयल होने के लिए चाय जो है वो बन गई है, जब तक मैं फिर चाय पी के फिर करूँगी कपड़ों को तह और बिंदी वगैरह सब निकाल दी लड़की ने ना। चलो फिर पहले चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि ये लड़की तो कुछ नहीं, मुझे कमेंट आ रहे थे दीदी अब ना सिंदूर की ही बिंदी लगा लिया करो, तो वही करना पड़ा करेगा। अभी तो टाइम नहीं लग रहा है, बट मुझे ना वो भी लानी है अपनी साड़ी वगैरह भी, फिर तैयार होने भी देनी है, तो उसमें भी फिर टाइम लगता है। बाकी और ये देखे दो, क्या कर रही हो? हवा छे पापा का, पापा जी ला बेटा, अच्छी लग रही है बेटा। तुम इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या जो तुम पतंग उड़ाओगे? फिर थोड़ी देर आराम से सुकून से बैठो, जैसे बैठे देखो ऐसे बैठो आराम से, है नहीं भाई छोटू की तरह। हाँ जाओ, आ जाओ, कैसे फैल के लेटी, टपकना चाहिए पीछे को।
तो अभी लग गई हूँ मैं सारे कपड़ों को तह लगाने के लिए। पाकी जैसे जैसे ट्यूशन से आई तो थोड़ी देर के लिए मैंने अनाया को पाकी के पास में बिठा दिया और बस झटपट से जो है वो अपना मेरा जो भी इस टाइम का काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, जैसे कि कपड़ों को तह लगाना है और शाम के खाने की तैयारी करनी है तो वही, और जो मशीन में कपड़े धुले हैं उन सारे ही कपड़ों को बाहर स्टैंड पे डाल दूँगी। तो बस कुछ बेडशीट वगैरह धुली थी आज, कंबल है एक वो धुला था तो वो मैं बेड में रख दूँगी। इसमें भी मैंने यहाँ पे ना सारा सामान नहीं लाई हूँ, थोड़ा ही जो भी ज़रूरी सामान है बस सब वही है। तो ये सोफ़ों के कवर भी धुले थे तो वो भी जो है वो सोफ़ों पे डाल दूँगी, बेडशीट से कर दूँगी। बस ये रहता है, मतलब ये छोटे छोटे से काम ही बहुत हो जाते हैं घर में, है ना। तो ये सारी चीज़ें और ये किचन के कपड़े भी धुले थे आज, तो वो भी मैंने बास्केट में रख दिए हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं किसी को यहाँ पे गलत बोलने का मेरा कुछ वो है, मैं सिर्फ अपना नज़रिया यहाँ पे बता रही हूँ जो मैं फील करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा फिट मेरे ऊपर ही बैठती है। जैसे पाखी है और 11-12 साल बाद जो है वो अनाया हुई, तो मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक माँ ही, माँ और बाप ही ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा हुआ है या बेटी हुई है, उनको मतलब है सिर्फ कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारी औलाद है, उनको सिर्फ इतना वो होता है। मैं सच बताऊँ, मैं मतलब क्या किस तरीके से शब्दों में बयां करूँ ये चीज़ कि मुझे मेरी दोनों बेटी और ऐसा लगता है कि ये मेरी दुनिया है, बस इसके बाहर इससे कुछ नहीं, बस मुझे ये कि मुझको इनको पढ़ाना है, लिखाना है, इनके साथ में हंसना है, बोलना है, इनके हर एक ख्वाब पूरे करने हैं, पाखी को जो वो बनना चाहती है वो बनाना है, एक अच्छा भविष्य देना है, तो वो सारी चीज़ें मेरे मन में चलती हैं। बट दुनिया आपको ये एहसास कराती है कि ए देखिए इतने साल बाद एक लड़का सा हो जाए, और ये सच है। आप मतलब मुझे पता है कि आज का टाइम बहुत ज़्यादा आगे चला गया है ये, पर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में हैं, ये चीज़ें बोली जाती हैं, ये बातें बोली जाती हैं, बता इतने साल हो गए एक लड़का सा हो जाता, दूसरी भी लड़की है, ओ मतलब इस तरीके से बोलते हैं। और मैं तो फेस करती हूँ इन सब चीज़ों को, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है जब मेरे सामने ये सारी चीज़ें बोली जाती है, बता मतलब क्या बता यार, हमसे पूछ के देखो ना, हम हमारे जी से पूछ, किसी भी माँ को तो खासकर, मैं बाप की भी नहीं बोलूँगी, माँ तो कभी भी ये नहीं सोच सकती कि उसको बेटी है या बेटा है। ये बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं इनको पीस लूँगी, और ये इधर अनाया की बोटल्स तो जो हैं वो बॉयल हो रही है। आज खाने में छोले और ये सैलड जो है वो कट कर लिया है मैंने, ये भी आम लेके आए हैं, इसमें आम रखे हैं, इनको वॉश करूँगी, और एक्स्ट्रा मैंने जो है वो, हाँ जी छोले भिगोए थे तो ये बॉईल करके रख लिए हैं, आलू रख लिए हैं थोड़ा सा, सुबह काम आ जाएंगे पाखे के ना, और थोड़े जो काले चने हैं ना वो भी मैं भिगो के रखूँगी, ऊपर रखे हैं, और अरबी मंगवाई है सुबह खाने में, अरबी बन जाएगी। इसमें कर लिया है मैंने अभी ये मसाला, वो जो है वो चोपड़ में चोप कर लेती हूँ मैं। बहुत सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेटों के लिए होते हैं, नहीं रख सकते, ये मत रखियो, ये मत करियो, ये तो जो लड़का होता है वो करती हैं, जिनको बेटा होता है वो करते, बहुत सारी चीज़ों में आपको ये चीज़ एहसास कराई जाती है। ये हर जगह की बात है, मतलब ये हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, बस एक माँ को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको बेटा है या बेटी, उसके लिए वो उसका बच्चा है, वो उसकी औलाद है, उसको उसने 9 महीने पेट में रखा है, वो उसको दिन रात उसके पीछे हो जाता है, चाहे उसमें बेटा हो चाहे बेटी हो, इतने ही लाड़ प्यार से वो पालती है। गए आंटी तो गए, टाटा करके हो जाओ, टाटा कर दो बाबा जी को जाके।
भाग गया ही। बाबा जी बोला, छोटे बाबा जी बुला रहे, बाबा जी छोटे बाबा जी खेल खा लिया सारा कुछ हरा के इनको ही। ओहो तुम छोले बना रहे हैं? दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन करता है कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं, बोलूं, पर मुझे यही रहता है कि बस क्या बोलें, क्या बात करें इन सब चीज़ों को लेकर के। अभी एक हुआ है ना मामला, वो लड़की जो है वो छत से खुद के उसने सुसाइड किया है। मैंने उसकी माँ को देखा, वो किस तरीके से बिलख रही है, किस तरीके से रो रही है, मतलब ये सारी चीज़ें देख करके। और जो लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार होते हैं शादी होने के बाद में लड़कियों के साथ में, अभी एक मैंने हरियाणा की वो देखी थी कि वो ऐसी थी, 3 दिन की जच्चा थी और उसको बेटी हुई थी, वो मार दी सास ने और हस्बैंड ने मिल करके। उसकी माँ इतनी बुरी तरीके से रो रही थी और वो बच्ची जो है वो जिंदा थी, तो उसकी मौसी जना कौन लेकर के बैठी थी उसको। मुझे यही ख्याल आता रहा, मैंने कहा ये बच्ची कैसे पलेगी बिन माँ के, और बहुत बुरा सलूक किया उसके। मतलब वो कहानी सुन के भी, मतलब वो सारी कहानी क्या, वो तो देखिए रियल में उसके साथ हुआ है, और वो माँ किस तरीके से बिलख रही है, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, इतनी बुरी हालत उस माँ की हो रही थी। और वो बच्ची 3 दिन की वो जच्चा थी, 3 दिन की, सास ने उसको ऐसी जगह लात मारी कि वो बेचारी बच ही नहीं पाई। उस हस्बैंड ने भी परेशान किया उसको और सास ने भी। तो ये भी समाज है ना, किसी की माँ को छीन लिया, किसी की बेटी को, किसी की बहन को, अरे भाई नहीं कुछ वो है तो छोड़ दो ना, मतलब किसी की जान लेना या एक ऐसी चीज़ के लिए प्रताड़ित करना उसको जो उसके हाथ में ही नहीं है, है ना, उस चीज़ के लिए, ये तो सब भगवान की देन है। ये इन सब चीज़ों पे थोड़ा ही ना अपना बस चलता है कि बेटा है या बेटी है क्या नहीं। अरे भगवान ने औलाद दे दी, ये बहुत बड़ा वो है, जिसने भगवान को, मतलब भगवान ने जिस इंसान को औलाद दे दी ना, उससे बड़ा सुख नहीं होता है दुनिया में कोई भी। ये सब ना, ये जो मन में है कि ये है वो है, उसके साथ ऐसा व्यवहार, उसके साथ ऐसा व्यवहार, सच में दिल दहला देता है। गैस वगैरह, अभी बर्तन साफ कर देती हूँ। ये क्या हो गया बेटा, परेशान कर रहे हैं आपको, पढ़ लो। हाँ, 4-5। हाँ, 1-2 मंट उठा ले, बचा ले, लिख दो लो। देख गुस्सा उसे, देख काम का हो तो बेटा ले ले तू। ठीक है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ऐशेश पानी चेंज कर दिया था भगवान जी। देख देख कैसे चला, नहीं छोटू नहीं ना, इसने हमने कह दिया।
और इसने मान लिया एकदम हमारी बात। तो बस अभी हमारा खाना पीना हो गया है और यहाँ पे ना वो अनायु जो है वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी, ये खड़ी होती है ऐसे ऐसे कोशिश कर रही है थोड़ा थोड़ा। हमें भी ये है कि बस ये ना चलने लगे, वीक तो है ये क्योंकि बीमार बहुत ज़्यादा रही, आपको तो पता ही है कितनी आफत बहुत उतारती है जब एक्टिव होती है ना, फुल एक्टिव। अभी देख सकते हो आप पापा दोनों बेटी कैसे वो कर रहे हैं, मैंने सबको इनको खाना पीना खिला दिया, जमे रखे वो खाएंगे रात को। अभी मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी, सारा किचन वगैरह किचन भी साफ़ कर दी है खाना बना के, और अभी जो है ये रोटी खा लेंगे। इसमें सब्जी है ये हमारी और इसमें रखी है रोटी, ठीक है जी। दही है, ये दही लेंगे, मैं तो नहीं लूँगी। और इसमें है जवे, गोपाल जी के लिए बनाती हूँ, सुबह के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, नाया खा लेती है दिन में। इनके लिए काटी थी थोड़ी सी प्याज, बस जो उसको बंद कर देते हैं ताकि ये गर्म ही रहे, ठीक है जी। खाना पीना हमारा बन गया, दूध हो रहा है गर्म, बाकी जो है सारा काम बर्तन वगैरह सब साफ हो गए, सिंक भी साफ हो गए। देखो ये सिंक कितनी ज़्यादा गंदी थी और अभी ना ये बिल्कुल साफ हो गई। अच्छा लग रहा बेटा खाना? खाना अच्छा लग रहा? और अभी रात का टाइम हो रहा है, मुझे करनी है पाखी के कपड़ों पर प्रेस भी करनी है, और इनकी ये शर्ट धुली थी दो तीन थोड़े से कपड़े थे, तो मैं इस रूम का पंखा चलाऊंगी, सारे कपड़े यहीं पे डाल दूंगी, रात रात में जो है वो सारे कपड़े यहीं पर सूख जाएंगे, सुबह का काम हल्का कर लेती हूँ। तो जी भी टाइम काफ़ी हो रहा है, मतलब 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा होगा। पहले जो है वो अनाया को सुलाया, पाखी अभी पढ़ रही थी तो उसको दूध दे दिया था, अब उसे दूध देके वो भी सो जाएगी क्योंकि वो पढ़ रही है, वो कुछ अपनी तैयारियों में लग रही थी। मैंने बनाई है अभी सूट का वीडियो रिकॉर्ड किया है और अभी करेंगे हम पैकिंग, क्योंकि आज जो है वो पार्सल नहीं निकली। ये वाले पन्नी चाहिए, वही चाहिए कोरियर वाली पन्नी, और ये बबल स्क्रैप पर ले, बस ये दो चीज़ चाहिए, और टेप लिए कैंची आ रही। और अभी करेंगे हम पैकिंग, वीडियो अब रात को ही बना करेगा सूट का, पैकिंग भी रात को ही हुआ करेगी, तो क्योंकि दिन में अब पाखी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। ये वाले भी सूट जो है वो मैं सुबह ही तह लगा लूँगी, देखिए पसीने आ गए क्योंकि फ़ैन बंद करना पड़ता है, आवाज़ नहीं जाती। किस कदर पसीना आ रहा है, मैंने तो सो ही नहीं बैठा था, या ढक रखी है, ऐसी कर रखी है।